हम भी आते हैं। ये लो। कौन है? बोल रही हूँ। अरे नमस्ते मम्मी। आइए बेटा, खुश रहो। तू कैसी है? बहुत बढ़िया। और घर में सब ठीक है ना? नमस्ते सासू माँ जी। नमस्ते। चलो चलते हैं अंदर। हाँ चलिए। आइए। आइए आइए, आप लोग बैठिए। अच्छा बेटा, घर में सब ठीक है ना? हाँ सब अच्छा है मम्मी, तुम कैसी हो? बस बेटा मैं ठीक ही हूँ। और पापा इस बार भी नहीं आए? तुम तो जानती हो बेटा कि तुम्हारे पापा काम काज में बिजी रहते हैं। बस वही होली दशहरा में आते हैं, बाकी उनका टाइम ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं मम्मी, अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ इनसे बात कीजिए तब तक। ठीक है मैं आती हूँ। आप तो ससुराल आते ही नहीं है, शायद हमारी याद नहीं आती है आपको, है ना? अरे जी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ऑफिस के काम से टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने। अच्छा तो इस बार लंबी छुट्टी लेकर आए होंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। आए हैं तो कुछ दिन रुक कर जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा, है ना? जी सासु माँ जी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? जी नहीं। देखिए सासु माँ मत बोलिए ना मुझे, मेरे नाम से बुलाइए ना, सरिता, हमें अच्छा लगेगा। ये कैसे हो सकता है, जब सासु माँ को सासु माँ ना बोला जाए तो फिर क्या बोलूँ मैं? देखिए ठीक है, लेकिन सासु माँ नहीं, सिर्फ सासु, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है? जी। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा सुनिए ना, कोई भी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बुलाइएगा, मुस्कान को नहीं, उसको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है ना। बस एक बार हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें बहुत खुशी मिलेगी आपकी सेवा करके, ठीक है? जी ठीक है। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। अरे मुस्कान जरा टॉवल दो प्लीज। अरे मुस्कान। हाँ वो भी अच्छे हैं। हाँ हाँ मम्मी भी अच्छी है। अरे टॉवल दो यार। अरे मुस्कान जल्दी करो यार, इसका भी टॉवल दो यार, मुझे चेंज करना है। पापा पापा इस बार भी घर पर नहीं है, वो क्या है ना कि वो साल में दो बार ही आते हैं, छठ पूजा में और होली में। यार दोगी मैं लेट हो रहा अंदर, यार दो ना भाई प्लीज, जल्दी करो ना भाई, टॉवल दो यार, कहाँ चली गई? पर आप अपना ख्याल रखिए। हाँ हाँ हम दोनों टाइम से आ जाएंगे, और पापा का भी ख्याल रखिएगा। हाँ मुस्कान सुनाई नहीं दे रखे यार, टॉवल मांग रहा हूँ कब से मैं। वाह क्या बात है, माँ के हाथ का खाना खा के एक ही दिन में इतना नरम हाथ, आओ कितना नरम है यार, कोमल हो गई है तुम एकदम। अरे
अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो, क्या पागल बने यार, उस बार मुझे चेंज करने दो यार प्लीज। अरे अरे तुम मानोगे नहीं, अंदर आओ। सॉरी सासू जी, मुझे लगा मुस्कान है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप, भला आपसे कोई गलती हो सकती है क्या? और गलती हुई भी हो तो मैं तो चाहूंगी ऐसी गलती बार बार हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप ही ना कुछ भी नहीं समझते, बहुत भोले हैं आप। मुझ में मुस्कान नजर नहीं आती है आपको? जरा गौर से देखिए ना, आपको मुस्कान से भी मीठी मुस्कान नजर आएगी। आंखें बंद कीजिए ना। अब आंखें खोलिए। आई नजर मुस्कान से भी मीठी मुस्कान, बताइए। आप तो अमृत जैसे हैं, मुस्कान से काफी मीठी हैं। मैं ही बेवकूफ था, मैं समझ नहीं पाया। मैं अच्छा हुआ कि आपने ये मौका मुझे दिया, आज मैं यहाँ नहीं होता। इतनी भी जल्दबाजी क्या है, जल्दीबाजी तो मुझे होनी चाहिए, वर्षों से तड़प रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आपकी तड़प को अभी खत्म कर देते हैं। वो सब छोड़िए, अभी घर में मुस्कान है, ठीक है? मैं बुलाती हूँ आपको अपने बेडरूम में, आ जाइएगा, ठीक है? बाय। मैं आपका इंतजार करूंगी बेडरूम में, ठीक है? बाय। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि कोई भी ऐसी माँ अपनी बेटी को दुखी देखना नहीं चाहती, वो चाहती है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, सुखी संपन्न रहे, उसका घर अच्छा से बसे। लेकिन ये माँ ये तो अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में लगी है, उसकी घर उजाड़ने में लगी है। तो आगे क्या होगा दोस्तों, आपको ट्विस्ट समझ में आ रहा है क्या? आपको लग रहा है कि उस सासू माँ जो अपने दामाद के प्यार में कैद है, क्या वो दामाद अपनी ये घिनौनी सासू माँ की बात मानेगा? क्या वो बेटी इस दामाद और सासू माँ के रिश्तों के बारे में जान पाएगी? कोई बात नहीं, इन सारे सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में ढूंढेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
बहुत इंतजार करवाया है आपने हमें, अब नहीं होता मुझसे इंतजार। आप तो जानती है ना इंतजार का फल कितना मीठा होता है। जी तो आप कब खिला रहे हैं इंतजार का फल? कब से मैं तो बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ इंतजार का फल खाने के लिए। प्लीज अब तो मत तड़पाइए। मुझे एक बात का डर है। क्या? कहीं अगर मुस्कान को ये सब पता चला। देखिए ये सब मुझ पे छोड़िए, उसको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? आखिर हमने भी आपसे प्यार किया है और इतनी आसानी से अपने प्यार को बदनाम होने नहीं दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए बस। लेकिन समाज के लिए सब गलत है। हमको भी पता है, लेकिन हमारी भी तो कोई मजबूरी है ना, हमको भी तो चाहिए ना, हमारी भी कोई चाहत है। देखिए आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा मुझे जाना होगा, उसका इंतजार कर रही है, कहीं उसे शक ना हो जाए। ठीक है आप जाइए, बाय, गुड नाइट। ठीक है। सुनिए चलिए मंदिर, मैं चाहती हूँ हम दोनों साथ में मंदिर चले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम दोनों मंदिर साथ में नहीं गए हैं। और पता है आपको, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर है हनुमान जी का, और मैंने सुना है वहाँ जाने से जो आपके मन में है वो पूर्ण हो जाता है, और मैं चाहती हूँ कि आप और मैं चले साथ। लेकिन मुस्कान बहुत काम है यार ऑफिस के, आज मैं सोच रहा हूँ कि घर से ही कुछ काम का अपडेट करूँ ऑफिस के। अच्छा एक काम करता हूँ, तुम माजी के साथ चले जाओ। हाँ ठीक है। मेरे सर में आज सुबह से ही बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? मम्मी मेरे साथ मंदिर चलो ना। बेटी आज सुबह से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं किसी तरह घर का कामकाज कर रही हूँ। तुम दामाद जी को साथ में लेके चली जाओ ना, उनको कुछ काम है इसलिए नहीं जा रहे हैं। अच्छा देखो ना बेटा, मंदिर कहीं दूर नहीं है, पास ही में तो है, चली जाओ ना। और हाँ बारिश का टाइम है, ठीक से जाना और ठीक से आना घर पर। ठीक है ठीक है जाओ।
ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे आप तो मुस्कान के साथ मंदिर जाने वाली थी ना? जी नहीं, जब मेरे देवता यहाँ पर हैं, तो ये पुजारन कहाँ जाएगी? बताइए, यहीं पर रहेगी ना वो? और आपके लिए मैं सरदर्द का बहाना करके यहीं पर रुक गई हूँ। मैं आपका कीमती समय पाना चाहती हूँ। ये लीजिए नाश्ता, खा लीजिए गर्मा गर्म, लीजिए ना। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप, इस उम्र में भी बेटी को मात दे रही हैं। आइए बैठिए। मैं सच कहूं तो आपसे प्यार हो गया है हमें, और मैं ये चाहती हूँ कि ये प्यार आजीवन रहे, और आपका साथ हमेशा मैं चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति आपके लिए टाइम नहीं देते क्या? उनके बारे में तो आप बात ना ही करें तो अच्छा है, उसी नामर्द की वजह से तो। छोड़िए, जाने दीजिए, मुस्कान अभी बाहर गई है, और ये कीमती समय मैं चाहती हूँ कि आपके साथ बिताऊं, बस मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुस्कान दीदी आप? प्रीतम कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ प्रीतम, तुम कैसे हो? एकदम अच्छा। आप अकेले आई हो? नहीं, तुम्हारी जीजा भी साथ आए। कहाँ है जीजा जी, दिख नहीं रहे हैं। वो घर पे हैं, कुछ काम था इसलिए नहीं आए, और मैं मंदिर आई थी। अच्छा दीदी, मैं सुना हूँ कि जीजा जी बहुत स्मार्ट है। हाँ वो तो है, तुमने नहीं दिखा? नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली शादी में आ नहीं पाया था, और उस समय मेरा एग्जाम था। कोई बात नहीं, घर पे आके देख ले। नहीं मैं नहीं आऊंगा, अभी आप यहाँ तक आ ही गई हो ना, तो चलो ना, बाजू में ही मेरा घर है, और माँ भी अक्सर आपको पूछती रहती है। हाँ, मुझे भी चाची से मिलना था, लेकिन मैं आज नहीं, कल आऊंगी तुम्हारे जीजा के साथ। पक्का ना? पक्का पक्का। मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनवा कर रखूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ना? हाँ ओके बाय। माँ, माँ, पता नहीं कहाँ चली गई, ऊपर देखते हैं। अरे मुस्कान, तू इतनी जल्दी आ गई मंदिर से, तुम्हारा पूजा पाठ कैसा रहा? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, ये क्या चल रहा था? हाँ तुम लोग इतने भी नीचे गिर जाओगे कि रिश्तों को भी नहीं पहचानोगे तुम लोग। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, और जो तुम देख रही हो ना वो सच नहीं है बेटा। सच तो ये है ना कि मोहित बाबू अपने बिजनेस के बारे में मुझे समझा रहे थे। हाँ ना मोहित जी, सही बात है ना? आप ना सच सच बताइए इसे। हाँ मैं इनको बिजनेस के बारे में बता रहा था, सच कह रहा हूँ। हाँ मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। हाँ और तुम क्या समझ रही हो अपने आप को? ये कुकर्म करने से पहले मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया तुमने? और तुम शैतान,
आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में बताओ तुम, जो तुम मेरी पीठ पीछे मेरी माँ के साथ ऐसी हरकत कर रहे हो? तुमको शर्म नहीं आई? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पुलिस को बताऊंगी, बुला रही हूँ। देखो मुस्कान, तुम मुझे माफ कर दो, अब ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी, माफ कर दो बेटी मुझे। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, फोन करूंगी और पुलिस को बुलाऊंगी, तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान बात तो सुनो। अरे मुस्कान, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या कर रही हो ये सब? ये करने से पहले तुमने नहीं सोचा, अब माफी मांग रहे हो? क्या करूं, मैं तुम्हारे माँ के बहकाव में आ गया था। मेरा फोन निकालो, निकालो, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, फोन निकालो वरना मैं खुद जाऊंगी चल के और बुलाकर लाऊंगी पुलिस को। निकालो फोन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटी मुस्कान, तुम मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुमको क्या बोलूं मैं, बताओ, माँ बोलूं या सौतन बोलूं? मुस्कान, छोड़ो मुझे। पुलिस बुलाएगी, पुलिस बुलाएगी, छोड़ो, नहीं मानेगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ूंगी। ये तो मर गई, मर गई। मोहित जी, अब देखिए, आप ना पुलिस को फोन कीजिए। और क्या बात कर रही हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए, हम पुलिस को बोल देंगे, ये पहले से मरी पड़ी थी, ये मंदिर गई थी, वहीं पे कुछ खा ली होगी और फिर मर गई। फोन लगाइए ना पुलिस को। ठीक है। हेलो पुलिस। मेरी बच्ची, देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम क्या हो गया? कैसे हुआ ये? पता नहीं सर, मंदिर गई थी और आई अचानक से। मैं बता रही हूँ, ये मंदिर अकेली गई थी, वहीं से कुछ खा कर आई होगी, और अब जब मैं तो मरी पड़ी थी यहाँ पर। जब आप लोग आए तो कुछ शोर शराबा चिल्लाने की आवाज सुनी होगी आपने? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई इंस्पेक्टर साहब। कॉल किसने किया था? सर मैंने ही कॉल किया था सर। लड़की का फोन कहाँ है? मेरे पास है सर फोन। इनके फोन से आपने कॉल किया? जी सर। इस नंबर से तो पहले भी मुझे कॉल आ चुका है। हाँ सर, बट हमने तो आपको कॉल करके ही बुलाया सर। मूर्ख समझते हो पुलिस को? सर हम सच कह रहे हैं सर, ये सब हमने नहीं किया सर। तुम सच कह रहे हो? मैं बताता हूँ सच क्या है। तुम लोगों से पहले ये लड़की मुझे फोन कर चुकी थी। जब इन्होंने मुझे कॉल किया था, शायद तुम लोग कट करना भूल गए थे और मैंने सारी बात सुन लिया था। मुझे अफसोस है हम लेट पहुंचे, और हम ये जानना चाहते थे कि ये तुम लोगों ने किया तो खुद से कबूल करो, लेकिन नहीं। वैसे तुम लोग खुद से कबूल कर रहे हो या हम अपने तरीके से समझाएं? साहब, मैं बता रही हूँ, ये मेरे दामाद है, ये मेरी बेटी है, और हम दोनों में नाजायज संबंध था, और हमारी बेटी को सब पता चल गया था, इसीलिए हमने इन्हीं हाथों से उसको मार डाला। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। शायद ये करने से पहले सोचती तो आपको अफसोस नहीं करना होता। खैर कोई बात नहीं, हवलदार ले चलो इसे, आप भी चलिए। एम्बुलेंस? हाँ, एड्रेस नोट कर लो,
कॉलोनी 11 नंबर में आ जाइए, एक बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। आ जाइए, हम लोग वेट कर रहे हैं। दोस्तों, अपनों को खोने का गम तो सभी को होता है, लेकिन जब अपने ही अपनों की कदर ना करें तो दुख उससे भी ज्यादा होता है। अभी आपने देखा कि उस औरत ने अपनी हवस के चक्कर में कैसी अपने ही बेटी की जान ली। दोस्तों, ऐसे क्राइम न जाने हर दिन कितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में जन्म ले रहे हैं। तो आज से आप एक संकल्प लीजिए कि ऐसे क्राइम समाज में कभी होने ना देंगे, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रयत्न में लगे रहेंगे कि ऐसी क्राइम दोबारा ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।